पछताएंगे फिल्म के मेकर्स। क्या रामचरण हो पाएंगे अपने रोल में फिट? किस फिल्म का सीन शूट करने के लिए लगे आरसी को 32 दिन? क्या फिल्म मेकर्स करेंगे इस बार टॉलरेट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, रामचरण एंड जूनियर एनटीआर की फिल्म RRR ने बड़ी बड़ी फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म में रामचरण अल्लूरी सीताराम के किरदार में थे और जूनियर एनटीआर कोमाराम भीम के रूप में थे। इस फिल्म में दोनों की दोस्ती को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया एंड फिल्म का नाटो नाटो सॉन्ग ने तो बस फैंस को इन दोनों का दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म को बनाने के लिए काफी मेहनत लगी। फिल्म की प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक मेकर्स ने इस फिल्म को बनाने में अपनी जी जान लगा दी। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसे रामचरण को करने के लिए 32 डेज लग गए थे? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दरअसल वो सीन था आरसी का फिल्म में इंट्रोडक्टरी सीन, जिसके लिए उन्होंने ना जाने कितने ट्रायल्स लिए। नो डाउट इसके चलते काफी पैसे खर्च हुआ, पर RRR के डायरेक्टर SS राजामौली का मानना था कि वो फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ठीक इन सब के बाद रामचरण की अपकमिंग फिल्म के लिए शंकर यानी के फिल्म RC-15 के डायरेक्टर ने काफी चिंता बढ़ाई है कि रामचरण उनकी नेक्स्ट फिल्म में भी कहीं ऐसा ना करे, क्योंकि जहां बात आती है किसी सीन के ट्रायल्स की तो 8, 9 या 10 ट्रायल्स तो कॉमन है, लेकिन 32 डेज टेक किसी सीन को प्रिपेयर करने के साथ साथ बजट में भी बदलाव आता है। तो इसके चलते शंकर इस फिल्म को लेकर काफी टेंशन में है। बट एनीवेज, ये तो हम सब जानते ही हैं कि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, एंड वी होप कि डायरेक्टर इस बात को समझदारी से ले। वेल दोस्तों, आपको बता दे कि रामचरण की अपकमिंग फिल्म RC-15 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी रामचरण के साथ नजर आएंगे। टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशन, तो ये फिल्म हैदराबाद भी शूट की जाएगी। ऐसे सुनने में आया है कि फिल्म में रामचरण डबल में दिखाई दे सकते हैं और उनमें से एक IAS के रूप में प्ले करेंगे। एज पर द सोर्सेज, ये फिल्म 2023 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग तेलुगु और तमिल में एक साथ की जा रही है, एंड बात करें म्यूजिक की तो वो SS थमन ने दिया है। ऐसे सुनने में आया है कि इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा होने वाला है, जो कि 170 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। है ना एक हाई लेवल बजट। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत। और आपकी इस मूवी यानी कि RC-15 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है, ये हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहां पर हर मूवी मिलेगी अपडेट्स सबसे लेटेस्ट एंड सबसे फास्ट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।